हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन आर्ट। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं एक नया प्लांट लेके आई हूँ जिसको हम ककसकम कहते हैं, या कई लोग इसको जो है सोलोशिया भी कह के चलते हैं। ये जो है ये एक इसका बेसिक वेराइटी का प्लांट है। इसके जो है हाइब्रिड के प्लांट भी आते हैं जो कि जिनकी हाइट बहुत कम होती है। और ये जो है ये इसको हम वाइल्ड या इसको हम नॉर्मल वेराइटी का प्लांट कहते हैं। और ये प्लांट जो है इसके ऊपर रेड कलर के जो है इसके फ्लावर्स आते हैं, और इसके फ्लावर जो होते हैं वो वेलवेटी टाइप के होते हैं। जब इसके ऊपर फ्लारिंग आएगी तो मैं इसके ऊपर नई वीडियो बनाऊंगी। और फ्रेंड्स, एक बार इस प्लांट को अगर हम अपने गार्डन में लेके आते हैं और इसके अगर हम इसके शीट जो है अगर हम तोड़ते नहीं हैं और हमारे गार्डन में गिर जाते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली बहुत सारे अपने आप ही हमारे गार्डन में, इसके जब सीज़न आता है तब ये प्लांट्स अपने आप ही ग्रो कर जाते हैं। और इस तरह से जो है हमारे गार्डन में एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट डेवलप हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है ये देखिए, ये मैं 3 ईयर्स पहले अपने एक लेके आई थी और मैंने अपने ग्राउंड फ्लोर के गार्डन में इस प्लांट को लगाया था। और लास्ट ईयर जो है इसके जब सीड हुए तो मैं इसके सीड्स तोड़ नहीं पाई और फ्लावर नहीं तोड़ पाई, और वो सीड जो है पूरा अच्छी तरह तैयार हो गए और जो है वो मेरे सॉइल में गिर गए, जिसकी वजह से जो है ये प्लांट मेरे जब मई जून आया तो इसके अपने आप ही प्लांट्स जर्मिनेट हो गए। और उस में से मैंने बहुत सारे प्लांट्स निकाल के अपने जो पॉट्स वगैरह हैं उनमें डेवलप किए हैं। और भी मेरे 5-6 पॉट्स हैं जो मेरे ग्राउंड फ्लोर में पड़े हुए हैं, जो कि छोटे छोटे हो चुके हैं, छोटे हैं बहुत बड़े नहीं हैं। तो उनको जो है मैंने अभी जो है उनके ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है। इसके कुछ एक दो इस पॉट में ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी मेरा वहीं पे ही पॉट पड़ा हुआ था जहाँ पर मेरे कॉकस कॉम का प्लांट लगा हुआ था, और ये इस पॉट के अंदर जो है ये मेरा प्लांट उग गया है। ये देखिए, एक ये छोटा है, ये बड़ा हो चुका है, और उसके अलावा एक ये है। ऐसे ये फ्रेंड्स मेरा जो है साइकस का प्लांट है, साइकस के प्लांट के प्लांटर के अंदर ही देखिए इसका ककसकम का बहुत बड़ा प्लांट ग्रो हो चुका है। तो जब छोटा था तो मेरा ध्यान नहीं गया और इसने ग्रोथ बहुत अच्छी ली है, इसी वजह से मैंने इसको उस प्लांटर से सेपरेट नहीं किया और ये प्लांट जो है इसी प्लांट में ही ग्रो प्लांटर में ही ग्रो कर रहा है। सो फ्रेंड्स, ये जो है सीजनल प्लांट है, ये विंटर्स में बहुत अच्छी फ्लारिंग करता है। इसके ऊपर जो है पर्पल कलर का मरूनिश कलर का जो है जिसे हम हॉट पिंक कलर कहते हैं, जो इसकी लीव्स के जो स्टिक्स हैं उसके अंदर जो कलर आ रहा है सेम कलर से, उसके ऊपर वेलवेट का बहुत बड़ा फ्लावर आता है। और ये फ्लावर जो है वो एटलीस्ट 1.5 मंथ से लेकर 2 मंथ तक इसके ऊपर टिका रहता है। और उसकी कुछ लुक ऐसे होती है जैसे कि कॉक्स के का जो कॉम्ब होता है ऊपर वाला, उसकी कलगी जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसकी तरह होता है। इसलिए इसका नाम कॉकस कॉम्ब रखा हुआ है। कॉकस मीन्स कॉक्स, कॉक जो मुर्गा होता है, और कॉम्ब मीन्स उसकी कलगी, तो उसके नाम से इसका नाम रखा हुआ है। और फ्रेंड्स, ये जो है काफ़ी ऊँचा चला जाता है, लेकिन अगर हम इस प्लांट के बीच में से प्रूनिंग करते हैं, जैसे कि मैंने इसकी प्रूनिंग करी हुई थी, तो अब इसकी जो है 2 स्टेम्स निकल के आई हैं, आप यहाँ से देखिए। तो क्या है कि अगर हम इसकी प्रूनिंग कर लेते हैं तो इसको जो है ना इसकी और स्टेम्स निकल आती हैं, जितनी स्टेम्स निकलेंगी उतना ही इसके ऊपर फ्लारिंग आएगी। लेकिन जब इनके जब हम प्रूनिंग करते हैं तो प्लांट के ऊपर जो है फ्लावर्स ज़्यादा आते हैं लेकिन फ्लावर के साइज़ कम होते हैं। इसी तरह से जो है ना ये भी देखिए फ्रेंड्स, इसकी बीच में मैंने प्रूनिंग करी थी, ये मेरा प्लांट है और इसकी मैंने सेंटर में यहाँ पे प्रूनिंग करी थी, तो इसकी भी जो है बीच में और स्टेम्स निकल आई हैं। तो जब स्टेम्स ज़्यादा होंगी तो फ्लावर छोटा आएगा, और अगर जब स्टेम्स कम होंगी तो फ्लावर सिंगल देगा लेकिन वो बहुत बड़ा होगा। लेकिन प्लांट फ्रेंड्स जब ग्रोथ ज़्यादा ले लेता है और सिंगल फ्लावर होता है और हम उसकी प्रूनिंग नहीं करते तो वो बहुत हाइट ले लेता है, और इसके ऊपर जब फ्लावर आता है तो वो भी बहुत हैवी होता है, जिसकी वजह से कभी रेन आती है या तेज हवाएं चलती हैं तो प्लांट जो है अपना बैलेंस नहीं बना पाता और नीचे की तरफ को फॉल करता है। इसकी वजह से जो है मैंने इस प्लांट की जो है इसकी बार प्रूनिंग करी है ताकि ये प्लांट ज़्यादा हाइट ना लेके और थोड़ा सा अपनी स्टेम्स को स्प्रेड करे, जिसकी वजह से जो है इस एक स्टेम के ऊपर ज़्यादा वेट ना बढ़े। इसके ऊपर फ्लारिंग आएगी लेकिन क्या होगा कि फ्लावर छोटे आएंगे लेकिन प्लांट अपना बैलेंस बना सकेगा, तो इसी वजह से मैंने इसकी प्रूनिंग करी थी। और फ्रेंड्स, इस प्लांट की भी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी बात करूंगी। इसकी खास रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर ये हमारा ग्राउंड सॉइल में लगा हुआ है तो कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सीजनल प्लांट है। तो अगर उसको हम फर्टिलाइज़र दें या ना दें, क्योंकि एक बार इसके ऊपर फ्लावर आ जाता है तो वो लंबे टाइम तक टिका रहता है। तो जिस वक्त हम इसको जर्मिनेट करते हैं या इसके हम किसी तरह की हम जो इसकी सैपलिंग्स लगाते हैं, तो उस वक्त हम जब सॉइल तैयार करते हैं, हम कंपोस्ट और गार्डन सॉइल जो भी है 40-60% या 50-50% भी डालते हैं
तो प्लांट के लिए सफिशेंट है। और वन टाइम फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है, इसका फ्लावर लंबे टाइम तक टिकता है। तो उसके बाद हमें इसको अगर किसी तरह का कंपोस्ट फर्टिलाइज़र नहीं देते तो भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर हम इसको प्लांटर वगैरह में लगाते हैं तब भी जो है हम एक बार इसको जो हम सॉइल तैयार करते हैं तो हम इसकी सॉइल जो है वो पोरस बनाएं और साथ में जो है कंपोस्ट और गार्डन सॉइल के जो है मिक्सचर वही 40-60 या 50-50 रख के चलते हैं। इसकी वाटर सीजनल प्लांट है तो हमें वाटर इसको वही तभी देना चाहिए जब प्लांट की लीव्स जो है थोड़ा फॉल करती हैं, लीव डाउन हो जाती हैं, जिससे कि ये जो है प्लांट इंडिकेट करता है कि इसकी वाटर रिक्वायरमेंट है। सनलाइट इसको पूरी चाहिए, ये प्लांट अगर शेड में रहेगा तो फ्लावर नहीं करेगा। वैसे ही अपनी ब्यूटी के लिए बहुत अच्छा है कि इसके रेड कलर की स्टेम्स हैं, जैसे कि देखिए आप इसकी स्टेम भी रेड कलर की आती है और इसकी फ्लावर की लीव जो कि जो स्टिक है वो भी रेड कलर की आती है। लेकिन ये फ्लावर तभी देता है जब इसको फुल सनलाइट मिलती है। वाटर इसको तब दें जब इसको जो है ना इसकी वाटर की रिक्वायरमेंट हो, चाहे ये पॉट में हो चाहे ये गार्डन सॉइल में हो। और लेकिन फ्रेंड्स इस प्लांट में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि इसकी लीव्स जो होती हैं वो पता नहीं ऑटोमेटिकली कोई ऐसा वो ये तरह की कोई डिजीज़ नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा देखा है यहाँ पर भी और बहुत सारी नर्सरीज़ में भी इसकी लीव्स जो हैं वो जैसे जैसे ग्रोथ करता है, जैसे कि ये छोटा प्लांट है तो इसमें कोई वो नहीं, नई लीव्स हैं वो ठीक हैं, लेकिन ये आप पुरानी लीव्स देखिए तो उसमें होल्स हैं। ऐसे ही जितनी भी नई लीव्स आ रही हैं वो हमेशा जो है वो थोड़ी सी डिफेक्टेड सी होती हैं। जितनी भी नई लीव्स आती हैं, चाहे आप बेबी लीव्स भी देखिए तो इनके ऊपर जो है हमेशा ये प्रॉब्लम होती है। मैंने कई गार्डनर से पूछा तो ये कहते हैं कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब जगह पे देखते हैं। अब मुझे मालूम नहीं है इस तरह का कोई ये डिजीज़ है प्लांट की या प्लांट का ग्रोथ ही इस तरह से है, लेकिन इससे इसकी फ्लावरिंग वगैरह पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब टाइम आता तो ये टाइम पे अपनी फ्लावरिंग करता है। सो सनलाइट इसको पूरी चाहिए, गार्डन सॉइल 50-60 50-50 या 60-40 रख सकते हैं, वाटर तभी डालें। सीजनल प्लांट है तो जब इसकी लीव्स थोड़ी सी लो हो जाए और फ्लावर भी फ्रेंड्स जब इसका एक दो महीने के बाद ये जब फ्लावर इसका पकना शुरू हो जाता है तो हम इसकी सीड्स को संभाल के रख सकते हैं, या फिर अगर हम इसको इसकी सीड्स को नहीं हटाते हैं और प्लांट के ऊपर लगे रहने देते हैं अगर हमारा गार्डन में है तो फिर ये ऑटोमेटिकली जर्मिनेट हो जाएगा। और अगर हमारा पॉट में है तो हमें इसके जो है सीड्स अगर हम कलेक्ट कर लेते हैं तो नेक्स्ट ईयर हम जो है रेनी सीजन के आसपास इसको केयरफुली अगर हम इसको जर्मिनेट करने के लिए रखते हैं तो ये प्लांट्स हमारे दोबारा से तैयार हो जाते हैं। सो इस तरह से जो है इस तरह इस कॉकस कॉम की वेराइटी के भी मेरे पास जो है 10-12 प्लांट्स हैं। बहुत सारे प्लांट्स जो थे वो अचानक से मेरे पैरों के नीचे आ गए क्योंकि वो छोटे छोटे थे और गार्डन में ग्रास के ऊपर उगे थे तो ध्यान नहीं गया। तो इस तरह और जो जिन पे मेरा ध्यान गया उनको मैंने हटा के क्यारी में भी लगा दिया और कुछ पॉट्स में भी लगा दिया। सो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जब हम कोई ऑटोमेटिकली प्लांट जर्मिनेट होते हैं तो हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि ये जो है वैसे ही ये कोई फ्लावरिंग प्लांट है या कोई वाइल्ड प्लांट है कि हमें उसे रखना है या उसे हटाना है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी वीडियो कॉकस कॉम प्लांट को लेकर। अगर आपने इस प्लांट को अभी तक अपने घर में नहीं लगाया तो उसकी नर्सरी में इसके जो छोटे छोटे लिंक्स हैं वो अवेलेबल हैं या फिर हम इनको सीड से भी जर्मिनेट कर सकते हैं। सो ये प्लांट को लगाने का राइट टाइम है क्योंकि नेक्स्ट मंथ से इसके ऊपर जो है थोड़ी थोड़ी सी बडिंग आना तैयार हो जाती है। अक्टूबर वगैरह के एंड में जो है इसके ऊपर बडिंग आना तैयार हो जाती है। फ्रेंड्स ये थी मेरी वीडियो कॉकस कॉम प्लांट को लेकर। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।